इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं जहाँ पर पैसा है, नाम है, शोहरत। अगर आपको आईपीएल खेलना है तो आप पीसीएल को रिजेक्ट करें, सिरे से खारिज करें, यही बेहतर है। और नितिन की ये बड़ी खबर थी परसों, उस पर औपचारिक आज मुझे लग रहा है मुहर लगी, क्योंकि कल 27 तारीख को मीटिंग हुई है दुबई में, और वहाँ पर भी इनडायरेक्टली इस बात को रखा गया सबके सामने। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत अपोज किया, बट बाकी कंट्रीज को सोचने पर मजबूर किया है बीसीसीआई ने। नितिन भैया, एक खबर आप निकाल कर लाए हैं, परसों हमने आपने ब्रेकिंग चलवाई थी और अब इस खबर में मोहर लगती नजर आ रही है। जी हाँ, बीसीसीआई एक्चुअली, जैसा शशांत प्रशांत भाई ने अभी कहा कि बीसीसीआई घेरना चाहता है पाकिस्तान को हर तरफ से, चारों तरफ से उसको घेरना चाहता है, कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ना चाहता है हिंदुस्तान के का कोई भी, मतलब चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो हमारा पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री, कोई भी हो, कोई एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ना चाहता है जिससे पाकिस्तान को थोड़ी बहुत सांस मिले। हम लोग चाहते हैं कि हर तरीके से उसको घेरा जाए, हर तरीके से किया जाए। तो यही एक बीसीसीआई की कोशिश है, वो चाहता है कि अपने खिलाड़ियों से बात करके, फ्रेंचाइजीज से बात करके, जितने भी लोग आईपीएल से जुड़े उनसे बात करके, ऐसे खिलाड़ियों को पाकिस्तान प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने से रोका जाए जो इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं। तो इससे एक मैसेज और जाएगा राजीव भाई, कि ये मैसेज ये जाएगा कि वी आर द बिग ब्रदर्स एंड वी कॉल द बॉस, वी आर द बॉस, ये मैसेज जाना जरूरी है। एक चीज और है, अगर पाकिस्तान सुपर लीग से जो थोड़े बहुत विदेशी खेलते हैं, बड़े नाम खेलते हैं, 10-15 जो बड़े नाम खेलते हैं, अगर वो निकल जाएंगे फिर तो पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हो जाएगी, वो एक सुपर लीग इंटरनेशनल लीग नहीं रह जाएगी, वो आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेंगे, आपको टेलीकास्ट सुपर लीग हो जाएगी, सब लीग हो गया रहेगा बिल्कुल। और जो मोस्ट फेवरेट नेशन का हमने उनसे वो लिया था, हमें लग रहा है वो वापस नहीं लेना चाहिए था, नाम बदल देना चाहिए था, मोस्ट फ्रॉड नेशन कर देना चाहिए था, हर चीज वहाँ पे फ्रॉड बनने पर होती है, आप देख लीजिए। तो क्रिकेट के मैदान पर भी जो लीग चल रही है ना, पाकिस्तान से शुरू हुई थी, दुबई पहुंच गई है, अब देखिए सरकते हुए शारजा भी पहुंच गई है, तो अभी आगे किधर जाएगी पता नहीं उसका, क्योंकि अगर प्लेयर्स हटे तो मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि ये लीग का भी समापन इसी साल हो जाए। राहुल, आपके हिसाब से ये ठीक कर रही है बीसीसीआई? बिल्कुल ठीक कर रही है। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी जो 6 टीमें पीएसएल में खेलती हैं, 6 टीमों में 39 विदेशी प्लेयर हैं, जिसमें से 21 प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, यानी अगर 39 में से 21 प्लेयर निकाल दिए जाएं और बाकी जो 15 प्लेयर जो बचेंगे आईपीएल खेलते हैं या खेल चुके हैं तकरीबन आईपीएल, मतलब उम्मीद रहती है कि अगर आप बोल दें कि आप आईपीएल खेले हैं वो, तो सब मेरे ख्याल से आईपीएल चुनेंगे, क्योंकि ऑक्शन में नंबर आए नहीं आए ये बात की बात है। तो अगर 21 प्लेयर हट जाते हैं, जिनमें एबी डिविलियर्स है, आंद्रे रसल है, केरन पोलार्ड है, शेन वॉटसन है, ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो अगर ये अगर हट जाते हैं पीएसएल से, तो फिर पीएसएल देखेगा कोई नहीं, इंडिया में तो वैसे ही कोई नहीं देखता है, प्रसारण भी नहीं आता है, लेकिन विदेशों में भी शायद कोई देखेगा नहीं। साउथ अफ्रीका की सरकारें भी हमारे साथ हैं, प्लेयर्स को अगर न्यूजीलैंड की, तो एक सरकार का इशारा भी गया कि आप देख लीजिए, तो वो उतना प्रेशर भी बहुत है बिल्कुल। और ये देखिए बहुत अच्छा साइन है, हम जिस तरह से सुशांत ने भी कहा कि क्रिकेट ना पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन है, जिस तरह हमारे यहाँ ऑक्सीजन है क्रिकेट, वैसे पाकिस्तान में भी है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर आप बंद करेंगे ना, तो फिर परेशानी शुरू होगी। पहले वर्ल्ड कप में खेलने से हमने इनकार किया है, वो एक कहते हैं ना ऑक्सीजन थोड़ा सा टाइट किया था, अब एकदम ही अगर आप बंद करना है तो ये जो इनकी पाकिस्तान सुपर लीग है उस पर आप अटैक कीजिए, सीधे मना करें कि वहाँ पे अगर जो क्रिकेटर खेलेगा वो आईपीएल में हम नहीं खिलाएंगे। तो ये बड़ा सीधा और सपाट संदेश जाना चाहिए, जिस तरह संदेश हमारा देश इन दिनों दे रहा है बॉर्डर पे, मुझे लग रहा है क्रिकेट के मैदान पर भी बमबारी बहुत जरूरी है। कह रहे हैं एक स्टेप और आगे जाइए, आईसीसी में एकाधी जो पाकिस्तान के अंपायर है उनको भी बैन करा दीजिए बिल्कुल। इनको चीज के लिए खिलाड़ी इसलिए भी तैयार हो सकते हैं क्योंकि खिलाड़ी इस टाइम बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के अब लीग्स में खेलने लगे हैं।